हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम टॉयलेट सीट फिटिंग किस तरह की जाती है, टॉयलेट में फ्लश वाल्व कनेक्शन किस तरह किया जाता है, आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के स्टूडियो में हम टॉयलेट सीट फिटिंग काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले, तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम कुछ मेजरमेंट देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सीट की लंबाई देख लेते हैं। जो टॉयलेट सीट है वह 24 इंच की है, या हम कह सकते हैं 2 फीट की हमारे पास शीट की लंबाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 फीट की इसकी शीट की लंबाई है। इसके अलावा बेसिकली इसकी चौड़ाई देखा जाए तो वह 17 इंच है, 17 इंच इसकी चौड़ाई है, और जो ऊंचाई है वह 13 इंच है, 13 इंच है बेसिकली। यहाँ पर हम बाथरूम का मेजरमेंट पहले समझ लेते हैं। तो पीछे से जो हमें शीट फिट करना है वह 8 इंच दूरी पर फिट करना है, क्योंकि बाथरूम हमारा छोटा है। यदि बड़ा हो तो आप 9 या 10 भी कर सकते हैं, बट बाथरूम हमारे पास छोटा है इसलिए हमें यहाँ पे 8 इंच डिस्टेंस पर फिट करना है। देख सकते हैं आप 8 इंच पीछे हमारे पास टॉयलेट के लिए पीछे जगह बचने वाली है, और जो बाथरूम की टोटल हमारे पास जो लंबा जो चौड़ाई है वो हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो 3 फीट है, 3 फीट इसकी चौड़ाई। काफ़ी छोटा टॉयलेट यह बनने वाला है, तो 3 फीट का यदि हम 36 इंच का आधा करते हैं तो 18 इंच होता है। तो जो मुर्गा होने वाला है उसे हम 18 इंच पर मुर्गे का सेंटर यहाँ से इस तरह से लेना है। तो ये हमारे मुर्गे का सेंटर आ गया है। बेसिकली आपके पास यदि टॉयलेट बड़ा हो तो आप इसे थोड़ा और भी ज़्यादा कर सकते हैं, बट हमारे पास टॉयलेट ओनली 3 फीट का ही है, 36 इंच का ही है। तो मुर्गा हमें यहाँ पे बेसिकली 18 इंच पे मुर्गे का सेंटर को लेना होगा। चलिए सबसे पहले हमें मुर्गे को ड्रेनेज लाइन में इस तरह से फिट कर लेना है, और जब आप मुर्गे को इस तरह से ड्रेनेज लाइन में फिट करें तो उसके लिए आपका जो ढाल होना चाहिए वो ढाल प्रॉपर होना चाहिए, ताकि मुर्गे में जो भी पानी आ रहा है वह ड्रेनेज लाइन में चला जाए। तो इसलिए हमने मुर्गे को सबसे पहले इस तरह से फिट कर लिया है, और मुर्गे के आसपास हमें अच्छे से माल डालकर उसे फिक्स कर देना है, ताकि हमारा मुर्गा हिले नहीं, एक जगह पे प्रॉपर फिक्स हो जाए। तो पहले हमने मुर्गे को ड्रेनेज लाइन से इस तरह से जोड़ दिया है, उसके बाद हमें मुर्गे के आसपास अच्छे से माल डाल के उसकी प्रॉपर जुड़ाई कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके आसपास अच्छे से माल डाल लेते हैं मुर्गे के। देखिए इस तरह से हम मुर्गे की पहले फिटिंग कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर सीट फिटिंग किस तरह की जाएगी हम सीखने वाले हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। देखिए मुर्गे को हमने यहाँ तक अच्छे से फिट कर लिया है, अब मुर्गे को जो ड्रेनेज लाइन है उससे हमें जोड़ना होगा। तो पहले हम सीमेंट का जो राला होता है उस राले से इस तरह से पहले हम जोड़ लेते हैं, और इसे प्रॉपर जोड़ने के लिए हमें एक कपड़ा लेना होगा, जो कि कपड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। इस कपड़े में हमें अच्छे से सीमेंट लगाना होगी और उसे अच्छे से जॉइंट कर देना होगा। देखिए इस तरह से हमने इस तरह से कपड़ा लिया है, इस कपड़े में अच्छे से राला या सीमेंट लगा दिया है, और इसे हमें इस लाइन को यहाँ पर जॉइंटर की तरह लगा देना है। तो चलिए प्रॉपर हम इसे यहाँ पर पहले लगा देते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसे प्रॉपर लगा देना है और प्रॉपर फिट कर देना है, जिससे हमारा जॉइंट निकले नहीं। तो इस तरह से हमें ड्रेनेज लाइन से मुर्गे को भी जोड़ दिया है, और मुर्गे को फिट करते टाइम मुर्गे का ढाल एकदम सही होना चाहिए, इस चीज़ का आप पहले ध्यान रखिए। ये काफ़ी बेसिक है, जिससे आपका बेसिकली पूरी सीट फिटिंग डिपेंड करती है। तो चलिए अभी हमारी यहाँ पर मुर्गे की फिटिंग कम्प्लीट होती है, आगे की फिटिंग किस तरह की जाएगी हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। चलिए हमें जो मुर्गे के आसपास इस तरह से अच्छा जो माल डाल देना है, इस तरह से करने से क्या होगा, देखिए इस तरह से हमें अच्छे से पहले माल डाल देना है। इस तरह से हम पहले माल डाल लेते हैं और पहले शीट को रख कर देख लेते हैं हमारी शीट किस तरह से आने वाली। तो हमारी शीट इस तरह से फिट होने वाली है, इसे हम अभी लेवलिंग भी करके देखने वाले हैं, कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, बट अभी जस्ट हमने यहाँ पर रख कर देखी, इस तरह से हमें रखना है। चलिए हमारी शीट इस तरह से हो गई, या फ्लश वाल्व और टैप को किस तरह रखा जाएगा या नल को किस तरह से रखा जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ज़मीन से जो नल की ऊंचाई होने वाली है वह 13 इंच होने वाली है, तो 13 इंच पे हमने एक मार्किंग कर ली है। यहाँ पे हमारा टेप या नल आने वाला है, और फ्लश वाल्व बेसिकली नल से 4 इंच हम नीचे रखते हैं, तो टोटल 9 इंच पे नीचे से हमारा फ्लश वाल्व आने वाला है। तो चलिए पहले हम टेप को फिट करने के लिए यहाँ पर इस तरह से झीरी कर लेते हैं और उसमें एक टी लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने टी लगा ली है और इसे ज्वाइंट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें नल फिट करना है, नल में इतना प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम एक रेड्यूसर लगा रहे हैं। रेड्यूसर के देखिए इस तरह से रेड्यूसर लगा दे, ताकि हमारी 1 इंच की जो लाइन थी वो 1.25 इंच की यहाँ पे हो जाएगी। एक रेड्यूसर हमने फिट कर लिया है, इसमें हमें ब्लास्ट देखिए इस तरह से हमारी लाइन फिट होने वाली है। देखिए अब यहाँ पर हमें नाप लेना है कितना बड़ा यहाँ पर पाइप लग रहा है, तो हमने पहले मेजरमेंट कर लिया है
देखिए इस तरह से हमें पाइप यहाँ पे फिट कर देना है स्टीम में, और यहाँ पे हमें सॉल्वेंट अच्छे से लगा लेना है। चलिए लाइन किस तरह बनाई जाएगी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए रेड्यूसर हमारा फिट हो चुका है, यहाँ पे हमें नल फिट करना है, इससे हमारे लाइन का जो प्रेशर होगा वह कम होगा। बेसिकली नल या टेप जो भी होता है वह हमारा ब्रास एल्बो में फिट होता है, तो ब्रास एल्बो में हमने एक पाइप लिया है। देखिए ब्रास एल्बो यहाँ पे हमने इस तरह फिट कर लिया है, क्योंकि जितने भी शावर या जितने भी नल या टैप फिट होते हैं वो ब्रास एल्बो या ब्रास टी में फिट होते हैं। चलिए अब हमें शावर का कनेक्शन करना है, तो शावर के लिए बेसिकली क्या होता है, दोनों तरफ हमें MTS लगाना होता है, मेल थ्रेड सॉकेट को दोनों तरफ फिट करना होता है। तो उसके ऊपर हम पहले टेफ्लॉन टेप इस तरह से लपेट लेते हैं अच्छे से। देखिए टेफ्लॉन टेप हमने अच्छे से कम 20 या 30 राउंड आपको इस तरह से लपेटना है टेफ्लॉन टेप, और उसके बाद ये हमारे पास शावर वाल्व है। सॉल्वेंट लगाने के बाद शावर वाल्व को इस तरह से हमें इस तरह से अच्छे से लपेटने के बाद इसे टाइट कर लेना है। देखिए हम फिक्स्ड पाने से इस तरह अच्छे से इसे टाइट कर लेते हैं। चलिए दूसरी तरफ भी हमें MTS एक लगाना है, तो MTS को भी हमें इस तरह से लगा लेना है। MTS पे भी इस तरह से हमें टेफ्लॉन टेप को लगा लेना है, और इसके ऊपर हमें सॉल्वेंट लगा लेना है ताकि जॉइंट इसका प्रॉपर हो सके। और इसे हमें बेसिकली देखा जाए तो जो शावर वाल्व होता है उसमें इस तरह से अच्छे से लगा लेना है। चलिए इस तरह से हमने फिट कर लिया है। देखिए शावर वाल्व जो होता है उसमें आपको डायरेक्शन दी गई होती है, डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए इसमें डायरेक्शन दी गई है, पानी का फ्लो किस तरफ होने वाला है, यहाँ से पानी आने वाला है और यहाँ से पानी हमारा टॉयलेट में जाने वाला है। आप इसके डायरेक्शन का ध्यान रखें जब भी आप फिट करें। चलिए इस तरह से हमें नाप लेना है और 4 इंच टोटल नीचे रखना है, तो इस तरह से हमें पाइप को पहले मेजर कर लेना है कितने नीचे रखना है। चलिए इस तरह से हमने इसे रख लेना है, और चलो इस तरह से हमें फिट कर लेना है अच्छे से। चलिए ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। जब हमारी पूरी शीट की फिटिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आगे की लाइन हम बनाने वाले हैं। पहले शीट का हमें लेवलिंग देख लेना है, शीट लेवल में है या नहीं। इस तरह हम जो लेवल मीटर होता है उससे लेवलिंग देख लेते हैं। देखिए लेवल में बिल्कुल हमारी शीट है, यदि कहीं पर लेवल में नहीं हो तो आपको उसे एडजस्ट कर लेना है। चलिए हमारी ये शीट लेवल में हो चुकी है। अब हमें इस तरह से शीट के नीचे अच्छे से माल दबा दबा के भरना है, जिससे हमारे शीट में प्रॉपर मजबूती आ सके। तो माल को आपको अंदर तक इसे भरना होगा इस तरह से। चलिए पहले हम माल भर लेते हैं। चलिए हमने शीट का लेवलिंग कर लिया है। अब शीट की लेवलिंग करने के बाद शीट के आसपास आपको अच्छे से माल डाल लेना है इस तरह से, और इसे अंदर तक डालना है ताकि शीट आपकी प्रॉपर फिट हो सके। चलिए इस तरह से हमें माल अंदर तक डाल लेना है। चलिए माल हम अंदर तक अच्छे से डाल लेते हैं। अब उसके बाद पाइपलाइन किस तरह फिट होगी हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें हमने जो शावर लाइन थी, शावर जो बेसिकली देखा जाए तो फ्लश वाल्व था, फ्लश वाल्व में एक पाइप इस तरह से जॉइन करना है और एक उसमें हमने एल्बो लगाई है, क्योंकि लाइन को हमें यहाँ पर टर्न करना है। चलिए यहाँ पर हम इसे जोड़ लेते हैं एक और एल्बो लगाकर। इस तरह से लाइन को हम जस्ट सिंपल अभी जोड़ रहे हैं टॉयलेट से। देखिए इस तरह से हमें जोड़ना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम मेज़र कर लेते हैं कितना लंबा हमें पाइप लगने वाला है। चलिए इस तरह से हम पहले पाइप को मेज़र कर लेते हैं और इस पाइप को भी हम फिट कर लेते हैं। चलिए इस तरह से, चलिए इसे हम पहले फिट कर लेते हैं। देखिए ये हमारी लाइन यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ से हमें इसे अंदर शीट में डाल देना है, जो कि हमारा बेसिकली फ्लश वाल्व के लिए पॉइंट दिया गया है शीट में, उसे इस तरह से जोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से हमारी जो फ्लश वाल्व को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो बेसिकली फ्लश में जो फ्लश के लिए जो पॉइंट है वहाँ पर हमारा पानी आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आप पहले चेक कर ले पाइप प्रॉपर आया है या नहीं। चलिए हमने फ्लश का पॉइंट शीट में जोड़ दिया है, और फ्लश पॉइंट जोड़ने के बाद जो फ्लश के लिए हमने यहाँ पे पाइप जोड़ा है इसमें हमें सीमेंट लगाना होगी ताकि हमारा पानी लीकेज नहीं हो। तो इसके लिए हम सीमेंट को आसपास अच्छे से लगा देते हैं। देखिए इस तरह से, चलिए इसे हमें इस तरह से अच्छे से लगा देना है। हम हर एक स्टेप को काफ़ी आसान तरीके से सीख रहे हैं, और हर एक स्टेप का अपना एक इम्पोर्टेंस है, तो आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए जब आपका सीमेंट लग जाए उसके बाद आपको क्या करना है, शीट को अच्छे से देख लेना है दोनों तरफ आपको मेजरिंग टेप से, कि जो शीट है वो प्रॉपर फिट हुई है या नहीं, कहीं से कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो दोनों तरफ से आपको मेजरिंग टेप से इस तरह से मेज़र करना होगा। तो चलिए दोनों तरफ से हम मेज़र कर लेते हैं। देखिए
यह प्रॉपर यहाँ पे हमारे दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस आ रही है, दैट मीन्स हमारी जो शीट फिट हुई है वह प्रॉपर हुई है। अब यहाँ पे लेवलिंग मीटर से हम देख लेते हैं लेवल में है या नहीं। देखिए लेवलिंग मीटर एकदम सेंटर में आ रहा है, दैट मीन्स हमारी जो शीट फिट हुई है वो प्रॉपर फिट हुई है। देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एकदम सेंटर में आया है, दैट मीन्स हमारी शीट इधर से भी प्रॉपर फिट है, इधर से भी प्रॉपर फिट है, हमारा जो लेवलिंग मीटर है एकदम सेंटर में आ रहा है, तो हमारी जो शीट फिट हुई है वो एकदम सही से फिट हुई है। अब हमें इसके आसपास अच्छे से जुड़ाई कर देना है, काफ़ी सिंपल है। चलिए अब हम इसके आसपास माल डाल दें। चलिए हमारी शीट फिट होने के बाद हमें शीट के आसपास इस तरह से माल डाल लेना है, और जो माल आप डाल रहे हैं वो शीट से 1 से 1.5 इंच नीचे होना चाहिए, क्योंकि जब इसके ऊपर टाइल्स लगेगी तो उसका लेवल आ जाएगा, तो शीट के आपको नीचे 1 से 1.5 इंच नीचे रखना है, ताकि जब आप बेसिकली जब आपका शीट जो यहाँ पे टाइल्स फिट की जाएगी तो लेवल हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो प्रॉपर शीट फिटिंग किस तरह की जाती है, फ्लश वाल्व कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।